हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर क्षेत्र के पीपली पंचायत के पोहल गांव निवासी 25 वर्ष सैनिक विनय कुमार ने उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव देह सोमवार देर शाम घर पहुंचा। मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ माँ भारती के लाल का उनके पैतृक गाँव में दाह संस्कार कर दिया गया। विनय अगस्त में छुट्टी काटने के बाद जोगिंद्र नगर से सितंबर में फिरोजपुर में सेवाएं देने के लिए निकले थे। 11 सितंबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरे सैन्य सम्मान के साथ माँ भारती के लाल का उनके पैतृक गाँव में दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ऐ वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता।